चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम भारतीय मिलकर उसे परास्त कर सकते हैं। विनाश करने वालों की शक्ति कभी भारत की शक्ति और भारत की भक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। नमस्कार, नमो ऐप वर्चुअल मीट की इस विशेष सभा में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हमारे साथ केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी हैं। भूपेंद्र यादव जी लेबर और एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, और जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, थोड़ा सा भी कवर करते हैं, वो ये जानते हैं कि भूपेंद्र यादव जी का परिचय मात्र इतना नहीं है कि वो केंद्रीय मंत्री हैं। एक लंबा अनुभव है जो पार्टी के काम से लेके सरकार के काम और सांसद के रूप में एक लंबा जीवन है, राजनीतिक सामाजिक, जिसको हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से समझना चाहेंगे। सर, इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें और अपने प्रश्न आपसे पूछें, हम चाहेंगे कि नमो ऐप वर्चुअल मीट के दर्शकों को एक आप प्रारंभिक उद्बोधन दे दें, और उसके बाद हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से इस श्रृंखला को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले तो मैं नमो ऐप को और आपके सभी टीम के सदस्यों को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। और नमो ऐप एक संवाद का विशेष तरीका है। ये संवाद आम जन का नेतृत्व के साथ है, ये संवाद विभिन्न वर्गों का आपस में एक दूसरे के साथ है, ये संवाद सरकार के विकास का, विकास के पथ को अंतिम व्यक्ति से जोड़ने का संवाद है, ये संवाद विचारों का संवाद है, ये संवाद विचारों के खुलेपन का भी संवाद है, ये संवाद एक दूसरे से सीखने और समझने का अवसर देता है, और ये अपने आप में इतना विशिष्ट और अद्भुत प्लेटफॉर्म है जिसने राजनीति में संवाद की परिभाषा को भी बदला है। बदला इस मायने में है कि अब वो एक तरफा नहीं है, वो दो तरफा है। वो संवाद केवल भाषण नहीं है, वो एक दूसरे का आदान प्रदान है। और ऐसे विशिष्ट मंच पर आकर मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ, और इसलिए मैं सबसे पहले नमो ऐप और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। सर, अभी कुछ दिन पहले आपकी एक किताब लॉन्च हुई है, राइज ऑफ द बीजेपी, और ये पुस्तक है जिसके बारे में हमारे पास जितनी जानकारी है ये है कि जनसंघ जब शुरू हुआ वहाँ से लेके भारतीय जनता पार्टी की यात्रा 2019 तक की, इसको आपने कवर किया है उसमें। और ये पुस्तक क्या है, और इस पुस्तक के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या और कितना जान सकते हैं, ये हम आपसे सुनना और समझना चाहेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है उसका आज एक विशिष्ट मुकाम आया है। विशिष्ट मुकाम इस मायने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में राजनीति की धुरी बनी। अगर आप देखेंगे तो आज़ादी में के बाद ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई एक राजनीतिक दल लगातार दूसरी बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर के आया है। लेकिन ये यात्रा किस प्रकार की हुई, इस यात्रा का एक पहलू है जब 1950 में आज़ादी के बाद जनसंघ की स्थापना होती है। जनसंघ की स्थापना से देश में जो इमरजेंसी का काल आया, जब कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र को एक तरीके से समाप्त करने का प्रयत्न किया, ऐसे में देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जनसंघ ने अपने आप को जनता पार्टी में समाहित किया, देश में सत्ता परिवर्तन हुआ, और वो एक दूसरा दौर आया जब जनसंघ जनता पार्टी बना। एक तीसरा दौर तब भी आया जब जनता पार्टी में इस बात को लेकर के द्वंद्व हुआ कि जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं वो अपनी विचारधारा को छोड़े या अपनी विचारधारा के मूल विषयों को छोड़े। तब ऐसा तय किया गया कि जो जनसंघ के जो मूल के कार्यकर्ता हैं
जो जनता पार्टी को एक उद्देश्य के साथ अपने आप में समाहित किया था, उनको विचारधारा को भी लोकतंत्र के साथ चलाना है। और जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का 1980 में जन्म, और 1980 के बाद एक दौर आया जब भारतीय जनता पार्टी 1984 के दो सदस्यों से और केंद्र में एक सत्ताधारी पार्टी के रूप में, गठबंधन की पार्टी के रूप में चली, और अटल जी ने गठबंधन धर्म के नाते सरकार चलाई। लेकिन 2004 के चुनाव में हमको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें कम मिली, कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी। पर 10 सालों की जो यूपीए की सरकार थी, उस शासन काल में देश में जो अराजकता का, पॉलिसी पैरालिसिस का, नेतृत्वहीनता का, संविधानोत्तर नई संस्था है जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है, उसका जब खतरा देश के लोकतंत्र पर मंडराने लगा, तो देश में एक स्थायी, सबल, सक्षम, सशक्त नेतृत्व की सरकार चाहिए थी। और 2014 में वो सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी, और ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्र की राजनीति बनने का एक धुरी बनने का एक काल था। पर ये जो अलग अलग काल मैंने कहे, इसमें बहुत सारे कार्यकर्ताओं का योगदान रहा, बहुत सारी कार्य पद्धतियों का विकास रहा, बहुत सारे नीति और मूल्यों का विकास रहा, देश की समकालीन राजनीति में बहुत सारे रेजोल्यूशन रहे, और ये इस यात्रा की इस कड़ी में अनेकों लोगों ने जो तपस्या करी, अनेकों लोगों ने जो अपना योगदान दिया, उन सबको समाहित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा क्रम को मैंने लिखने का प्रयास किया। पर इस यात्रा क्रम को केवल भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से नहीं लिखा, इसमें लगभग 800 से ज्यादा हम लोगों ने कंटेम्पररी राजनीति में जो बुक्स थी उनको कोट करते हुए लिखा है, क्योंकि ये समग्र रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है भारत की समकालीन राजनीति में कैसे केंद्रीय पार्टी बनी उसका विश्लेषण हो सके, उसको लिखने का प्रयास इस पुस्तक में किया है। जो अभी आपने पर बोला कि 8 किताबों को कोट किया, इससे ये समझ में आ रहा है कि एक विषय कितना आपके मन के करीब रहा होगा, कि किस तरह की व्यस्तता रहती है हम अच्छे से जानते हैं आपके साथ, उसके बाद भी आप समय निकाल के इस प्रोजेक्ट में लगे और इसको किया। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कि इसको हम पढ़ें और समझें और इसको समझ पाएं कि ये यात्रा जो है वो कैसी रही है। सर, पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा से द पार्टी विद द डिफरेंस रही है, और आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जो भारतीय राजनीति दूसरी पार्टियां हैं उससे भारतीय जनता पार्टी अलग कैसे है, क्यों कहा जाता है वो कि पार्टी विद डिफरेंस, और भाजपा जो है वो आई है तो उस जो इंडियन पॉलिटिक्स का परिदृश्य किस तरह से बदला है, ये हम आपसे समझेंगे। सर देखिए, पहला विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय देश में जो सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है वो डायनेस्टी बनाम डेमोक्रेसी की है। देश में परिवारवाद की जगह स्वस्थ मात्रा में लोकतंत्र आए, तो भारतीय जनता पार्टी का पहला इस समय सबसे बड़ी लड़ाई को लड़ रही है। दूसरा जो बड़ा परिवर्तन है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश की सत्ता में आने के बाद सुशासन को राजनीति का मूल बनाया है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर अभी 4 राज्यों में सफलता मिली है तो एंटी इनकम्बेंसी का विषय खत्म हुआ है, वो प्रो गवर्नेंस वोट है। तो भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नेंस को आधार मान करके प्रो गवर्नेंस वोट की राजनीति को शुरू करा है, और यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सरकार में आने के बाद ये कहा था कि उनकी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। और 2014 के बाद अगर 2019 के चुनाव का विश्लेषण करेंगे तो 4 करोड़ से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। उसका कारण है कि 5 साल सरकार चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है कि गवर्नेंस एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम प्रो गवर्नेंस के पे वोट ला सकते हैं, वरना सरकारें सब एंटी इनकम्बेंसी में चली जाती है। तीसरा, सरकार में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कार्य पद्धति, रीति नीति में जहां एक तरफ आधुनिकता को अपनाया है वहीं सर्वव्यापकता को भी अपनाया है। आधुनिकता का अर्थ यह है कि डिजिटलाइजेशन एक महत्वपूर्ण विषय है, सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण विषय है, स्ट्रक्चर पार्टी का मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण विषय है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को बढ़ाने का प्रयास किया है। पर इसके साथ ही साथ अगर आप ये देखेंगे कि राजनीति में वंशवाद की समाप्ति, राजनीति में सामान्य कार्यकर्ता को स्थान, राजनीति में कैपेसिटी बिल्डिंग, राजनीति में कोर टीम की कल्पना, राजनीति में पार्टी के अनुशासन को महत्व, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने मूल्यों को भी सरकार के साथ आगे बढ़ाया है, और निश्चित रूप से इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व ये इस समय एक बड़ी भूमिका के रूप में। अब कुछ दिन पीछे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया, और ये वो था जब हम
बारे में पढ़ रहे थे और सुन रहे थे, समझ में आ रहा था कि किस तरह की तपस्या की गई है जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है वहां तक। इस विषय को आपने बहुत पास से देखा है, जिया है, तो हम भारतीय जनता पार्टी ये जो 1980 से अभी तक यात्रा है उसको आप क्या देखते हैं, और इस समय बीच में 19 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी अटल जी के में तब और आज 2000 में जब हम बैठे हुए हैं, तो इस बीच की दोनों भाजपा के बीच में आपके कोई अंतर आया है, अगर आया है तो क्या? नहीं, समय का अंतर होता है, मूल्य वही है। जिन पंचनिष्ठाओं को लेकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी उस पंचनिष्ठाओं का अर्थ था सर्वपंथ समादर भाव, सभी लोगों के प्रति एक अच्छे भाव का, लोकतंत्र का निर्माण, मूल्य आधारित राजनीति का विकास, ये सारे विषय ऐसे थे जिसको 1980 में हम लेकर चले थे, उनको बड़े अच्छे तरीके से हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मूल्यों की तो कंसिस्टेंसी रही, मूल्यों की तो कंटिन्यूटी रही, लेकिन समय के साथ साथ जैसे परिवर्तन आने चाहिए थे, समय के साथ साथ पार्टी को जितना एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बढ़ना चाहिए था, और किसी भी राजनीतिक पार्टी की सफलता का ये आधार है कि पार्टी समाज के कितने बड़े वर्ग में स्वीकार्यता प्राप्त करती है, क्योंकि लोकतंत्र में लोक संग्रह का बड़ा महत्व होता है, तो बड़े पैमाने पर लोगों की समर्थन प्राप्त करना लोकतांत्रिक तरीके से और उसकी डिलीवरी भी देना कि लोगों ने जिस विश्वास के साथ आपको शासन में चुना है उसको प्रतिबद्ध तरीके से आप जनता जनार्दन की सेवा में पहुंचा सके। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को मैं कहता हूं परिवर्तित नहीं किया लेकिन समय के साथ रूपांतरित करते हुए समयानुकूल बनाने का प्रयास किया। परिवर्तन, विचार, राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति की जो भावना है उसका तो कंटिन्यूटी है, तो भारतीय जनता पार्टी की प्रेरणा समान रही है, कार्यपद्धति समय के अनुकूल होती रही। नमस्कार सर, अभी कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और इस कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उन्हीं में से एक है मणिपुर जिसके आप प्रभारी थे, आपका कैसा अनुभव रहा? और आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्यों बार बार चुन रही है, आप कृपया बताएं। मणिपुर का अनुभव मेरे दिल से पूछो तो मेरे जीवन का सबसे अच्छा अनुभव है। सबसे बड़ा अनुभव तो यह रहा कि पार्टी ने मुझे मणिपुर में काम करने का अवसर दिया। उत्तर पूर्व की जो सांस्कृतिक विशिष्टता है, उत्तर पूर्व का जो भोलापन है, उत्तर पूर्व का जो भारत को गौरव करने लायक योगदान है, और मणिपुर तो है जिसमें सेना से लेकर खेल से लेकर संस्कृति और चित्रकारी से लेकर एक बहुत बड़ा योगदान है, उस प्रदेश को जानने का अवसर मिला। दूसरा, कांग्रेस के राज में उत्तर पूर्व को एक उपेक्षित तरीके से देखा गया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मणिपुर के प्रति, नहीं पूरे उत्तर पूर्व के प्रति केंद्र सरकार की एक नई दृष्टि गई। वो नई दृष्टि ये गई कि केंद्र का कोई ना कोई कैबिनेट मंत्री उत्तर पूर्व राज्यों में जाता था, वहाँ के लोगों के साथ संवाद करता था, और उसका बहुत बड़ा परिणाम ये देखेंगे कि उत्तर पूर्व में लंबे समय से जो हिंसा का वातावरण रहा उन लोगों ने हथियारों को छोड़ा, जो एक उपेक्षा का वातावरण रहा उन लोगों में अपनत्व का भाव बढ़ा, जो एक तरीके से वहाँ गवर्नेंस का पूरी तरीके से वैक्यूम था। जब पिछली बार कांग्रेस से सत्ता हमने ली थी तो कांग्रेस के समय में 200 दिन तक ब्लॉकेज रहा था, पिछले 5 सालों में ना कोई बंद हुआ ना कोई ब्लॉकेज हुआ, और एक तरीके से जो विकास के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को, चाहे किसान सम्मान निधि पहुंचनी हो, चाहे आयुष्मान योजना पहुंचनी हो, चाहे कोरोना का टीका पहुंचना हो, वो जिस तरीके से डिलीवरी हुई उसका सबसे बड़ा प्रभाव था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उत्तर पूर्व के लोगों में एक विशेष श्रद्धा का भाव है, और उसी का परिणाम हुआ कि हम दोबारा सत्ता में। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे आपके मंत्रालय से संबंधित है। पिछले कुछ समय में ई श्रम पोर्टल और कार्ड की बहुत ज्यादा चर्चा है, तो यह लोगों के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन लाएगी, इसके बारे में हम आपसे सुनना चाहेंगे। देश में श्रमिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो असंगठित क्षेत्र में है, लगभग 90% से ज्यादा श्रमिक असंगठित क्षेत्र में है। असंगठित क्षेत्र के डाटा ना होने के कारण हम उन श्रमिकों तक सरकार की योजनाओं का सही मायने में लाभ नहीं पहुंचा पाते थे, पहला विषय। दूसरा विषय, देश में जब श्रमिक और श्रम कल्याण और कौशल विकास की योजनाएं बनाई जाती थी तो असंगठित क्षेत्र का डाटा के अभाव में उन योजनाओं को पूरी तरीके से लागू और लाभान्वित लोगों की सूची नहीं बन पाती थी।
तीसरा विषय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए लेबर कोड आए हैं, उसमें जो सबसे बड़ा विषय है कि हम सामाजिक सुरक्षा के वर्ग को विस्तृत करना चाहते थे। अब जो सामाजिक सुरक्षा का लाभ है वो केवल सरकारी कर्मचारियों तक ना रहे, वो केवल संगठित क्षेत्रों तक ना रहे, उसका लाभ असंगठित क्षेत्र के लोगों को भी मिले। इन तीनों कारणों से देश में असंगठित क्षेत्रों का एक डाटा बनाना जरूरी था और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा विषय और परिवर्तन जो इस देश में आया है कि हमारे देश में जो डिजिटल क्रांति हुई है उसके कारण पूरे देश भर में 4 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर खुले। अब जब कॉमन सर्विस सेंटर 4 लाख से ज्यादा थे, उसका बहुत बड़ा आधारभूत ढांचा हमको मिला, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम 6 महीने के अंदर ही 27 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों का डाटा का रजिस्ट्रेशन कर पाए। यह जो डाटा का रजिस्ट्रेशन किया ये आधार फीडेड एक ही सिंगल नंबर के आधार पे किया है और सभी 27 करोड़ को 2 लाख रुपए का हमने इंश्योरेंस का कवर भी दिया है, जो मुझे लगता है कि देश के जो असंगठित क्षेत्र उसका बड़ा डाटा। ये केवल 27 करोड़ संख्या में नहीं है, रोजगार की दृष्टि से भी 400 से ज्यादा ऑक्यूपेशन इसमें समाहित किए गए हैं और भविष्य में जब लेबर कोड का पूरी तरीके से लागू किया जाएगा तो जो सामाजिक सुरक्षा योजना है ज्यादा सटीक, सार्थक और विश्वस्त तरीके से देश के गरीब वर्गों तक हम पहुंचा सकते। आपका धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मेरा भी प्रश्न, जो भी आपने लेबर कोड के बारे में जिक्र किया आपने पिछले उत्तर में, मेरा लेबर कोड से जुड़ता प्रश्न है कि सर अभी पार्लियामेंट ने पास किया था लास्ट टू लास्ट सेशन में लेबर कोड, और ये आजादी के बाद आई थिंक वन ऑफ दी मोस्ट इफेक्टिव कोड्स रहा है और एकदम ओवरवेलमिंग रिस्पांस भी रहा है इसका। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा इसके बारे में और इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के बारे में भी जानना चाहूँगा। अभी तक हमारे देश में बहुत सारे कोड श्रमिकों के अंतर्गत थे और इस कारण एक ही विषयों को अनेक डिपार्टमेंट से डील किया जाता था। कार्य की सुगमता, जो सरकार के द्वारा कहा जाता है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का अर्थ है कि सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो लेकिन सुशासन सब लोगों तक नीचे तक जाए। ऐसे में 29 से ज्यादा कोडों को समाहित करके 4 कोड बनाए गए। सबसे पहला इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बनाया गया, दूसरा वेजेस कोड बनाया गया, तीसरा सोशल सिक्योरिटी कोड बनाया गया और चौथा ऑक्यूपेशन सेफ्टी के लिए कोड बनाया गया। हमने जो वेजेस कोड है उसमें महिलाओं और पुरुषों की समान वेतन पर बल दिया, महिलाओं की कार्यक्षमता कार्यशैली उसको बढ़ाने पर बल दिया और सबसे बड़ी बात है जब हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम एक ऐसे युग की ओर जा रहे हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर से निकलकर दुनिया में डिजिटल युग की ओर जा रहे हैं, देश में शहरीकरण बढ़ रहा है, मजदूरों का प्रतिशत बढ़ रहा है, ऐसे में सभी लोगों को सेम सोशल सिक्योरिटी हो उसके पैरामीटर को बढ़ाया जाए, विस्तृत किया जाए, तो ये कोड अपने आप में बड़ा रिफॉर्म करने वाले कोड है। ये श्रमिकों के मानवाधिकार के संबंध में, देश के उद्बोधन को बढ़ाने के संबंध में, ईज ऑफ डूइंग के संबंध में, लोगों के जिसको श्रमिकों की बार्गेनिंग कहते हैं उसके संबंध में, उनको सोशल सिक्योरिटी, उनको अच्छी फैसिलिटी देने के संबंध में एक बड़े क्रांतिकारी कदम है जिसको इस लेबर कोड के माध्यम से किया गया। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। माय क्वेश्चन टू यू इज हाउ इज इंडिया लीडिंग द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज अंडर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी? Climate change is very important subject, important in the in this aspect that this subject is a not only the relevant subject but it's a most debatable subject in the present scenario. I want to say one thing that in Paris COP the Prime Minister was taken a good initiative and Paris COP the principle is decided by the world, that principle is CBDR, common but differentiated responsibility. Every country in the world come forward to decide their own goal and that goal be declared as the NDCs. In the last COP which was held in Glasgow, our Prime Minister showed the pathway how the world will achieve this target, and Prime Minister announced the Panchamrat. Panchamrat was very appreciated by the whole world. Apart from Panchamrat, the Prime Minister was given a mantra. That mantra means life. Lifestyle for environment.
how we live this life on this earth, because that is the only one planet, no other planet in the world where the humanity is lived. So it is our duty to protect this world. But how can we protect that world? We can protect the world with the mindful consumption. And the mindful consumption is a way of life which is described by our Prime Minister, is a lifestyle for environment. Apart from that, Honorable Prime Minister also announced in the Panchamrit that India will achieve the goal of net zero to 2070. And India is the only country in the world who achieved its target, which is announced by the country in the Paris Agreement in 2015. We are among the few countries who are not only the talking about the parliament about the climate change, but we worked on it. That is the reason I want to mention here about the three things. First, India made a one coalition with the UK. That's a coalition is CDR, Coalition for Disaster Resilience Infrastructure, CDIR. Second coalition is started by the India with the Sweden. That is a lead IT and that worked in the hard to abate industry to curb the pollution. The third is the major steps taken by the Prime Minister, that alliance made by the India and France, that's an international solar alliance. The solar energy is the alternative energy for the world. And in the recent COP, the Prime Minister announced the far ahead. The one more thing, it's not only about the international solar alliance, it's about the one sun, one world and one grid. And I'm happy to mention here that 120 countries signed on this solar alliance, and I think it shows the future pathway to fight against the climate change, which is given by our Honorable Prime Minister. सर नमस्कार सर, मेरा आपसे प्रश्न इसी से संबंधित है। हमने आपके सोशल मीडिया पे एक हैशटैग भी देखा था, हैशटैग COP26, और काफ़ी प्रमुखता से विभिन्न सोशल मीडिया पे हमने इसे देखा, और आपकी एक वेबसाइट पर लेख भी है COP डायरी इंडिया वॉक्स द टॉक। तो सर हम इसके बारे में भी विस्तार से जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने इस पर काफ़ी कुछ लिखा भी है, और यह क्यों महत्वपूर्ण है, कुछ बिंदुओं पर आपने बताया इसके ऊपर, अगर यदि आप और बता सकें। देखिए, दुनिया में जलवायु परिवर्तन, ये जो औद्योगिक क्रांति में जो कार्बन एमिशन हुआ है, उसके कारण सारा संकट पैदा हुआ है। हमको ये मानना होगा कि दुनिया के विकसित देशों की आबादी 17% है, लेकिन उनका कार्बन एमिशन 60% है। भारत की आबादी भी 17% है, लेकिन भारत का कार्बन एमिशन 4% है। ये इस बात को दर्शाता है कि हमारी जीवन पद्धति इस प्रकार की है जो कार्बन उत्सर्जन कम करती है। लेकिन कार्बन उत्सर्जन में केवल तकनीकी का विषय नहीं है, उसके साथ ही साथ हमको अपनी बायोडायवर्सिटी की रक्षा और जो धरती का डेजर्टिफिकेशन है उसके खिलाफ भी काम करना चाहिए। और डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए भारत की एक बड़ी उपलब्धि रही है, भारत ने 30 लाख हेक्टर जमीन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डेजर्टिफिकेशन से मुक्त करी है। हमारे यहाँ इंटर लिंकिंग रिवर से लेकर और अभी जो प्राकृतिक खेती की बात करी है, वो इस बारे में बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत का क्लाइमेट एक्शन इस बात को भी दर्शाता है कि अभी जो बजट पहली बार हमारे देश में दिया है, दुनिया में एक ऐसा बजट है जो अपने आप में ग्रीन बजट है। चाहे ग्रीन बॉन्ड बनाने की बात करी हो हमारे देश में, चाहे प्राकृतिक खेती की बात करी हो गंगा के किनारे, चाहे हमारे यहाँ पर सोलर एनर्जी में बजट को बढ़ाने की बात की हो, ऐसे मेजर स्टेप्स भारत के द्वारा उठाए गए हैं जो दुनिया को एक वैकल्पिक ऊर्जा की ओर ले जाकर के, जहाँ जलवायु परिवर्तन के 1.5 डिग्री का जो खतरा है उससे तो निजात दिलाने की क्षमता रखते ही है, उसके साथ जो मैंने पूर्व में अपने वक्तव्य में कहा है, प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, वो हमें एक सस्ती, एक सरल, सहज, सुलभ जीवन पद्धति देती है। और जो सबसे बड़ा विषय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलता है, वो क्लाइमेट जस्टिस का है। जस्टिस का अर्थ है कि डिग्निफाइड लाइफ सब लोगों को मिले, विकसित देशों को और विकासशील देशों को। इसलिए पूरी दुनिया की जलवायु परिवर्तन में माननीय प्रधानमंत्री जी विकासशील देशों की आवाज भी बने हैं, और विकासशील देशों की इस आवाज को अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में क्लाइमेट फाइनेंस की परिभाषा आज एक नई तरीके से परिभाषित होने लगी है, और एक सस्ती टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर और वित्तीय सहायता विकासशील देशों को मिले, इस बात को प्रमुखता से उन्होंने वहां पे उठाया, जिसको दुनिया पूरे तरीके से स्वीकार भी कर रही है। जी सर, मेरा अगला क्वेश्चन सर पावर सेक्टर से संबंधित है। भारत ने पावर सेक्टर को 2030 तक डीकार्बोनाइज करने का लक्ष्य रखा है, इसके पीछे क्या सोच है, और आम आदमी के, नागरिक के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
2070 तक हमने नेट जीरो की बात करी है, लेकिन हमने कहा है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे, 50% रिन्यूएबल की ओर जाएंगे, और उसके साथ ही साथ भारत ने दुनिया में कहा है कि हम 1 बिलियन टन जो कार्बन उत्सर्जन करते क्यूमुलेटिव इफेक्ट से, हम इस प्रकार की तकनीकों को अपनाएंगे, चाहे हमारे रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन करने का विषय हो, चाहे हमारे जीवन पद्धति के और उपचारात्मक विषय हो, चाहे हमारे एडोप्टेशन मेजर हो, चाहे हमारे मिटिगेशन मेजर हो, चाहे हमारे द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा उत्पादन करना हो, चाहे एलईडी बल्ब जैसे विषयों को लोगों के जीवन में लाना हो, हम 1 बिलियन टन कम उत्सर्जन करेंगे जितनी हमको करने की अपेक्षा थी। इस प्रकार भारत ने अपनी पहल करके दुनिया में एक नया उदाहरण स्थापित किया है कि हम रिन्यूएबल की ओर जाएंगे, ग्रीन एनर्जी की ओर जाएंगे। और अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नेशनल हाइड्रोजन मिशन को भी घोषित किया गया, जो इस बात को दर्शाता है कि भारत ऊर्जा के जो हरित उपाय हैं, ग्रीन उपाय हैं, उनको करने में पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। सर, पर्यावरण मंत्रालय क्या क्या कर रहा है इसके विषय में आपने भी विस्तार से बताया, और ये एक ऐसा मंत्रालय है कि जो सामने सड़क बनाते और प्लेन के कुछ हो रहा है इस तरह से तो नहीं दिखता है, पर इसके जो डिसीजन होते हैं वो न सिर्फ आज की जो जनरेशन है उसके ऊपर असर डालते हैं, आने वाली जो जनरेशन है उसको भी प्रभावित करते हैं। तो ये मंत्रालय आपका पर्यावरण मंत्रालय, ये काम कैसे करता है, और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय अगर आप बता पाएं कि जिससे जो भविष्य की हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं उनके ऊपर सकारात्मक बदलाव होने वाला है, तो वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। ऑल्सो वी वुड लाइक टू हियर अबाउट द स्टेप्स बीइंग टेकन फॉर वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, तो इन विषयों के ऊपर हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएं। सर देखिए, हमारा मंत्रालय 3 विषय हैं, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज। एनवायरमेंट का अर्थ है कि जो हमारे उद्योग धंधे सब चलते हैं, जिस शहर में रहते हैं उसकी सांस कैसी हो, जिस शहर में रहते हैं उसका पानी कैसा हो, जिस शहर में रहते हैं उसका वातावरण कैसा हो, ये एनवायरमेंट क्लियरेंस के विषय होते हैं। हमारे मंत्रालय के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नेशनल क्लीन एयर मिशन का प्रोजेक्ट हम लोगों को दिया गया। 4400 करोड़ रुपए की इस योजना में शहरों के वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमारे मंत्रालय द्वारा अनेक अच्छे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। दूसरा जो फॉरेस्ट का अर्थ है, फॉरेस्ट हमारे देश की एक अद्भुत धरा है। हमारे देश में लगभग 24% के करीब फॉरेस्ट और ग्रीन कवर का एरिया है, जिसको बढ़ाने के लिए हम लोग कृतसंकल्प हैं। भारत में जहाँ तक फॉरेस्ट की बात है, आपने मुझे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कहा है, हमारे देश में 52 टाइगर रिजर्व्स हैं। हमारे देश में जो सबसे अच्छे वाटर रिसोर्सेज है वो हमारे टाइगर रिजर्व से निकलते हैं। भारत दुनिया की लगभग 60% टाइगर की आबादी को रखता है, और हमारे जो टाइगर कंजर्वेशन है वो दुनिया को में पूरी तरीके से सराहे जाते हैं, और हमारे 17 टाइगर रिजर्व्स को इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन भी मिला है। हमारा एक टाइगर रिजर्व को तो X2 कहा जाता है, मतलब एक ही साल में हमारे बाघों की संख्या दुगनी हुई है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे देश में प्रोजेक्ट एलिफेंट, हमारे देश में प्रोजेक्ट डॉल्फिन, हमारे देश में प्रोजेक्ट लॉयन भी चलता है। प्रोजेक्ट लॉयन दुनिया का केवल जो एशियाटिक लॉयन है हमारे पास गिर में उपलब्ध है। एलिफेंट की संख्या भी हमारी बड़ी है, डॉल्फिन हमारी नदियों में बहुत और समुद्री क्षेत्र में भी बहुत अच्छे तरीके से है। इसके साथ ही साथ हम लोग कहते हैं कि फॉरेस्ट हमारा हार्ट है, लेकिन हमारी वेटलैंड हमारी किडनी है। भारत ने दुनिया में जो रामासर की कन्वेंशन हुई है, हमारी 49 वेटलैंड्स को रामासर ट्रीटी का दर्जा मिला है, 20 और हमारी पेंडिंग है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष में हमारी 75 वेटलैंड ये रामासर ट्रीटी के अंतर्गत होगी। हमारे पास दुनिया के सबसे अच्छे बीचेस हैं, हमारे 10 बीचेस को ब्लू टैग का दर्जा भी मिला है। और इस प्रकार से अभी जो नए परिवर्तन लेकर के आए हैं, जो तीसरा विषय है बायोडायवर्सिटी, तो हम बायोडायवर्सिटी लॉ में अमेंडमेंट लेकर के आए हैं जो अभी पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी के सामने है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग हमारे ट्राइबल्स को देना चाहते हैं, बायोडायवर्सिटी को ज़्यादा आसान बनाना चाहते हैं। हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज आयुष की है उससे बायोडायवर्सिटी और हमारे मेडिसिनल प्लांट को हम संपन्न बनाना चाहते हैं। हम उसमें अच्छा इंटरनेशनल एकेडमिक रिसर्च भी चाहते हैं,
और जो एक सबसे बड़ी बात है डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड, भूमि का मरुस्थलीकरण सबसे बड़ा खतरा है, भूमि के मरुस्थलीकरण के खतरे के लिए भी हमारा काम चल रहा है। और जो तीसरा हमारे मंत्रालय का विषय है वो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन के तीनों मानक पे हम काम कर रहे हैं। और भारत अभी जो स्टॉकहोम बेहतर की 50वीं वर्षगांठ है, दुनिया में 1972 में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुई थी जब पर्यावरण के खिलाफ सबसे पहले इस चुनौती को भापा गया था, और आज जब 50 साल हुए हैं, अभी कुछ ही दिनों पहले यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली जो नैरोबी में हुई थी उसमें भारत के प्रयास की सराहना की गई, 2018 में प्रधानमंत्री जी ने प्लास्टिक बैन की बात कही थी, और आज हम दुनिया के उन देशों में हैं जिन्होंने 120 mm की प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। 30 जून से पूरी तरीके से लागू हो जाएगी, एक ऐप के द्वारा उसका मॉनिटर भी किया जाएगा, और हम दुनिया में जो कचरे के प्रति जो विषय है उसको लेकर के पूरी तरह चिंतित हैं। लेकिन आने वाले समय में एक और जो बड़ा विषय है जिसको हम सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से वेस्ट, जो वेस्ट है उसको हम कैसे वेल्थ में परिणित कर सकते हैं ताकि वेस्ट से केवल कचरा ना बने, वो वापस से हमारी समृद्धि में काम आए। और सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर भी हमारे मंत्रालय द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण ड्राफ्ट रूल निकाले जा रहे हैं। लेकिन इस सबके कंप्लायंस के लिए मिनिस्ट्री का जो एक परिवेश पोर्टल है उसको और स्ट्रेंथन करके ज़्यादा यूजर फ्रेंडली, टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली और ज़्यादा मच इंफॉर्मेटिव और ईज ऑफ लिविंग के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल वो भी हम बनाने जा रहे हैं। सर आपने विभिन्न विषयों पर काफ़ी विस्तार से उत्तर दिए, कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु भी थे। एक आखिरी प्रश्न मैं जरूर करना चाहूँगा सर, इससे पहले कि हम परिचर्चा को समाप्ति की तरफ ले चलें। जैसा कि हम जानते हैं प्रदूषण एक गंभीर विषय है और लोग इस पर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं होती रहती हैं और शायद लोग अपने अपने तौर पर निष्कर्ष भी निकालते रहते हैं, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर मैं आपसे ही जानना चाहूँगा सर, क्योंकि आप एक तथ्यों के साथ हमें और हमारे दर्शकों को बता सकेंगे कि प्रदूषण के ऊपर क्या कार्य हो रहा है और इस पर किस प्रकार से निजात पाई जा सकती है, जैसे अभी आपने प्लास्टिक बैन की बात कही जो 30 जून से लागू होने वाला है। देखिए प्रदूषण के, शहरी प्रदूषण के 7-8 बड़े कारण हैं। पहला कारण इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है, दूसरा कारण डस्ट पॉल्यूशन होता है, तीसरा कारण व्हीकल पॉल्यूशन होता है, चौथा कारण जो हमारा बायोफ्यूल की बर्निंग है वो होता है, पांचवा कारण जो हजार्डियस वेस्ट है वो होता है, छठा कारण जो है सबसे बड़ा जो कारण है वो जो हमारे कचरा है उसका जो निष्पादन है उसके कारण भी होता है। इन सारे को लेकर के हमने एक पूरी मेथडोलॉजी बनाई है, नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम बनाया है। प्रदूषण में हमारे ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है, वेदर कंडीशन है, वो भी महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं कि दिल्ली में विशेष रूप से NCR एरिया में एक दीपावली के बाद का जो एरिया दिसंबर का होता है, कोहरे और ठंड से जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो प्रदूषण का काफ़ी विषय रहता है। इसके लिए हमारी सरकार के द्वारा एक नेशनल क्लीन एयर एक अथॉरिटी का गठन भी किया गया। पहली बार हमने एयर शेड की पहचान करी, क्योंकि प्रदूषण केवल ये राज्यों की बाउंड्री तक नहीं होता है, तो जहाँ जहाँ एयर शेड है वहाँ किस प्रकार से हम लोग उसके रोकथाम के उपाय कर सकते हैं। सरकार ने अपने बजट में भी जो बायो फ्यूल है उसका ज़्यादा लाभ हो ताकि उसको पराली की तरह जलाया ना जाए, उसके लिए भी सरकार ने विभिन्न प्रकार के बायोफ्यूल की योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई गई है। दिल्ली में हम BS4 को लेकर के आए हैं ताकि पेट्रोल पे लोगों की आदत जाए, हम इंडस्ट्री को भी PNG के ऊपर लेकर के आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के चारों तरफ जो सर्कुलर रोड बनाया गया है ताकि जो व्हीकल पॉल्यूशन है, जो बड़ा पॉल्यूशन है, वो दिल्ली के बाहर निकल जाए। और हमने देखा है कि पिछले साल के जो आंकड़े हैं वो विगत वर्षों के आंकड़ों से काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इसमें फिर भी हम जन भागीदारी को लेकर के काम कर रहे हैं। अभी नेशनल क्लीन एयर मिशन का जो रीजनल वर्कशॉप है अभी बॉम्बे में हुई है, जिसमें हमने विभिन्न म्यूनिसिपलिटियों को बुलाया है। आने वाले 2 महीनों में हम अलग अलग राज्यों में विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर और विशेष रूप से हमारी म्यूनिसिपलिटी के स्तर पर सक्रिय भागीदारी और प्रदूषण के मानकों को रोकथाम करने के लिए अच्छे उपाय ये किए जाए, इसको लेकर के हम कार्यवाही को आगे बढ़ा रहे हैं नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम के। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने के लिए। सर पुनीत जी भी कुछ आपसे बोलना चाह रहे थे पर वो रुक गए हैं, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। आप जिस तरह से उत्तर दे रहे हैं धारा प्रवाह, और लग रहा है लोग आ रहा है कि सुनते रहे, तो एक प्रश्न और है जो मन में आ रहा था। प्रधानमंत्री जी के साथ लंबे समय से आप काम कर रहे हैं उनकी टीम में, संगठन में भी और अब सरकार में
उन साथ के व्यक्तिगत अनुभव कैसे रहे हैं, और वैसे जो न लगे कि इसको बताना चाहिए उसको छोड़ के अगर कुछ बता सके तो लोगों को भी हो जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के कौन से गुण, कौन सी बातें हमें भी ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी चीजों को फॉलो करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी हम सबके आदर्श हैं और उनका जो सबसे बड़ा गुण है वो उनका मानवीयता का गुण है, और जो आप उनको कभी भी संवाद करते हुए जब माननीय प्रधानमंत्री जी को आम व्यक्ति के साथ देखेंगे तो जिस, चाहे उनके मन की बात का विषय हो चाहे उनका कोई और विषय हो, तो वो उसकी पूरी चिंता करते हैं। और मैंने व्यक्तिगत रूप से उनको देखा है कि प्रधानमंत्री जी इतने बड़े पद पे जाने के बाद भी जब वो कभी रैली में किसी पुराने कार्यकर्ता को देखते हैं और सहज रूप से प्रधानमंत्री जी उनकी तरफ एक आकर्षण के भाव से देखते हैं। और कोरोना के काल में मेरा खुद का अनुभव है कि अजमेर के दो कार्यकर्ताओं का फोन आया और वो भावुक होकर रो पड़े कि कभी जनसंघ के समय में संगठन मंत्री के नाते भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी अजमेर गए होंगे, वो कार्यकर्ताओं ने उनके साथ यात्रा करी और 30 साल बाद अचानक कोरोना के संकट में जब उनको लगता था कि क्या होगा, देश के प्रधानमंत्री ने इतनी सहजता के साथ उनसे बात करी, तो उन कार्यकर्ता कई दिनों तक उनके मन में विषय रहा। और इसलिए मैंने उनको कई बार कार्य पद्धति में देखते हुए कार्यकर्ताओं के बारे में चिंता करते हुए, और अगर व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो हमें भी कई बार प्रधानमंत्री जी का ऐसा विषय होता है कि मानो देश के प्रधानमंत्री पूछ रहे हो कि मैं अपने थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखा करूँ। तो ये जो उनका अपने एक सहज रूप से जो उनका एक एकदम से ये जो भाव आता है उसमें लगता है कि वो प्रधानमंत्री होने के साथ साथ पार्टी के और देश के सभी लोगों के अभिभावक भी हैं। उनका ये जो अपनापन है और उनका ये जो एक टच करने वाला कई बार भाव आता है कि सब सामने वाले से एकदम उसका स्वास्थ्य या एकदम पहचान के चिंता करते हैं, भाई जरा अपना वजन का ध्यान रखो, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखो। और मैं तो उन लोगों में हूँ कि जिन्होंने उनके इस सलाह को मानते हुए अपने आप को संतुलित करने का प्रयास किया। तो उनका ये जो मानवीयता का विषय है, एक अभिभावक का विषय है, ये साथ करने वाले को बहुत प्रेरणा देता है और लगता है कि बस प्रधानमंत्री जी कहें उतनी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वो नेता नहीं, वो एक अभिभावक के रूप में ज्यादा हमें नजर आते हैं। सर आप बता रहे थे और वो जिसको बोलते हैं रोंगटे खड़े होना, वैसी गूज बम्प वाली फीलिंग आ रही थी जब आपने बताया कि वो 30 साल पहले ट्रेवल किए थे और उनको सच में मतलब वी आर ब्लेस्ड कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री जी, ऐसे नेतृत्वकर्ता मिले हुए हैं। और जो बातों का क्रम चला, जो आपके उत्तर और आप इनसाइट से हमें मिले हैं, वो इस तरह के कि लग रहा है कि बस ये चलता रहे, हम इसको सुनते रहें, पर समय की मर्यादा है, आपके और भी इंगेजमेंट जिसको आपके ऑफिस ने हमें पहले ही बता रखा था। तो और एक चीज और है जो ऑफ द कार्ड हुई है, उसको मैं अभी पब्लिक के आपका कमिटमेंट ले रहा हूँ कि जो आपकी बुक है द राइज ऑफ द बीजेपी, उसका हिंदी संस्करण जब आएगा तो वो हमारे उस प्लेटफॉर्म पे नमो ऐप वर्चुअल मीट के प्लेटफॉर्म पे उसका इनॉग्रेशन होगा, लॉन्च होगा। तो उस कमिटमेंट के साथ सभी दर्शकों को की तरफ से और नमो ऐप वर्चुअल मीट की पूरी टीम की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और उन विचारों उन चीज़ों के बारे में हमको बताया जिसका हमें सच में कुछ भी अंदाजा नहीं था कि किस लेवल पे काम हो रहा है। भारत फॉलो करने की जगह वर्ल्ड लीडर बन के पूरी तरह से खड़ा हो गया है, और वो एक जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसको आप प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लीड कर रहे हैं उसके बारे में हमको जो जानकारी मिली, जो आपने विस्तार से बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसी ही एक दूसरी नमो ऐप वर्चुअल मीट के एपिसोड के इंतजार में हम पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।